चांदबाली और केवनझोर का बीच में है। चांदबाली से वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड 70 किलोमीटर डिरेक्शन में आप दूर में है और केवनझोर से ईस्ट साउथ ईस्ट 90 किलोमीटर दूरी में है। तो नॉर्थ उड़ीसा में इसका लोकेशन है। इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स तक और फिर ग्रेजुअली इसका हमारा वीक भी होगा। इसका प्रभाव में अभी नेक्स्ट 24 आवर्स तक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही हमारा मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलरेडी वार्निंग आप लोग देख चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वार्निंग है, हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, सोनपुर, ढेंकनाल, झारसीगुड़ा, बरगढ़, आज ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है बोलांगीर, सुंदरगढ़, बोध, केवनझर, खुर्दा, जगत सिंहपुर, पुरी, केंद्रापड़ा, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक। मीन्स हमारा नॉर्थ उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में ही वार्निंग है और एडजॉइनिंग साउथ उड़ीसा में भी है। और हैवी रेनफॉल का नुआपड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो इसका प्रभाव अभी 24 आवर्स का तक ज़्यादा ही है, 24 आवर्स का बाद फिर इसका प्रभाव ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ओनली वेस्टर्न उड़ीसा का एक दो डिस्ट्रिक्ट में, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल कल हो सकता है, बाकी जगह में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहेगा। इसका प्रभाव में सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होगा क्योंकि अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट एडजॉइनिंग सी एरिया में तेज हवा रहेगा, 50 to 60-70 किलोमीटर तक गस्टिंग में जा सकता है नेक्स्ट 12 आवर्स तक। उसके बाद ग्रेजुअली फिर कम होकर के 40 to 50 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग मतलब कोस्ट लाइन का अलॉन्ग होने का चांसेस है। तो फिशरमैन को आज और कल तक समुद्र जाने के लिए मना है। और हमारा लैंड इनलैंड एरिया में भी विंड जैसा स्क्वाली वेदर टाइप हो सकता है, 30-40, 35-45 तक वा कुछ गास्टी में 55 बीच तक भी जा सकता है। पोर्ट वार्निंग है, हमारा पोर्ट वार्निंग सिग्नल नंबर 3 जारी है। अभी ये है हमारा फोरकास्ट। अभी हमने पास्ट 24 आवर्स में जो वेदर हुआ था उसका थोड़ा ब्रीफ देना चाहते हैं। पास्ट 24 आवर्स में हमारा रेनफॉल एक्टिविटी उड़ीसा में टोटल जो हुआ है 59.1, स्टेट का एवरेज जो है 59.1 मिलीमीटर हुआ है। बट ये जो रेनफॉल है, इस तरह से रेनफॉल हमारा मानसून सीजन में होता है, किसकी क्योंकि कुछ कुछ लोग बोल रहा है जो इससे ज़्यादा और कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। लास्ट ईयर में भी हमारा 26 अगस्त आपका याद होगा तो इसमें 71.7 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था एक दिन में एवरेज, स्टेट एवरेज। उसका पहले इसके इससे भी ज़्यादा है 2018 का आपका याद होगा, 22 जुलाई 78.2 मिलीमीटर हाइस्ट था। ये है हमारा स्टेट का एवरेज रिगार्डिंग अभी। बट इसमें अभी रेनफॉल का हो रेनफॉल सर्टेनली एक्सट्रीम वेदर है, बट इससे ज़्यादा भी आपका इसका पहली हुआ है। जैसे लास्ट ईयर में ही हमने बताया आपका 26 अगस्त हमारा रेनफॉल का रिकॉर्ड, ठीक है। सिमिलरली आपका वन स्टेशन में जैसे हाईएस्ट रेनफॉल अभी पास्ट 24 आवर्स में हुआ है हमारा ऑस्टरंगा पूरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ 530 मिलीमीटर। इसका पहले आपका 2018 में 22 जुलाई जो हम अभी इससे भी हो सकते हैं बुरला संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 622 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है 24 आवर्स में। और उसी दिन ही संबलपुर सिटी में भी रिकॉर्ड हुआ था 567 2018 में। ये आपको याद होगा 2018 में संबलपुर सिटी में बहुत ये हुआ था, फ्लड टाइप सिचुएशन हुआ था, ये 22 जुलाई 2018 था। तो इस तरह से मॉनसून सीजन में हमारा डीप डिप्रेशन व डिप्रेशन के साथ एक्सट्रीम वेदर कभी कभी होता है। सर्टेनली एक्सट्रीम वेदर है बट इसमें बिल्कुल नहीं हुआ कभी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका बाजू से अभी हमारा मॉनसून टोटल रेनफॉल तो इम्प्रूव हुआ है बट एक दिन में हुआ है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा पूरी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। तो पूरी में ज़्यादा रेनफॉल का बाजू से जैसे हम लोग इसका इम्पैक्ट भी दिया था, इम्पैक्ट उसी तरह से ही होने का चांसेस है। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्थिति आया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल अभी टोटल हमारा जो 27% व 26% कल तक डेफिशिएंट था,
वो अभी 20% कम हो गया, मीन 6-7% एक दिन में मेकअप हो गया है। अभी 837.5 मिलीमीटर हुआ, 1047.5 मिलीमीटर हमारा इस समय तक स्वाभाविक होता है, 1 सितंबर टू आज 13 सितंबर। इसका अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्टेटस है, 2 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस रेनफॉल हुआ है, 13 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक आ रहा है और 15 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशियंट है। बट ये डेफिशियंसी अभी अगला 24 आवर्स में मेनली इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में, कोस्टल विशाखा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नॉर्मल हो गया, और इंटीरियर उड़ीसा में भी अगला 24 आवर्स में स्वाभाविक रेंज में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। बट अभी भी हमारा नेगेटिव साइड भी रहेगा, क्योंकि 20% अभी अगला 24 आवर्स में और 5-6% कम होगा, ठीक है, बट स्वाभाविक रेंज में आ जाएगा। अभी फिर इसमें नेगेटिव साइड रहने का चांसेस है, बट इसका वजह से अभी हमारा सेप्टेम्बर का जो रेनफॉल है, सेप्टेम्बर में एक्सेस हो गया है। सेप्टेम्बर में हमारा हुआ है 176.3 और 118.8 इस समय तक स्वाभाविक होता है, तो 48% एक्सेस है, ठीक है। ये है अभी हमारा स्टेटस, और अभी कुछ ना कुछ बोलिए। भुवनेश्वर में 199.9 हुआ, हाँ आज सुबह 8:30 तक, अभी 8:30 से रेनफॉल हो रहा है। सर वो 2018 में कहाँ हुआ था? संबलपुर बुरला में 622.0 मिलीमीटर हुआ था। कितना सर? 622 24 आवर्स में 22nd जुलाई। और सर और कहाँ? संबलपुर में 567। इसका बीच में भी और भी है, हमने जो हाईएस्ट तो बता दिया, अभी 2018 का ही है रिकॉर्ड नज़दीक वाला। 567 ये डीप डिप्रेशन व डिप्रेशन, इसका साथ इस तरह से मानसून सीजन में रेनफॉल, बट ये नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, एक्सट्रीम वेदर है, बट फिर भी एक्सट्रीम वेदर इस तरह से होता है। सर, ये जो सीजन है, ये सीजन का ये सबसे बड़ा लघुचाप है। हाँ, इस साल का तो ये सबसे ज़्यादा भी है रेनफॉल, लास्ट इस सीजन का तो लास्ट है। लास्ट ईयर का जैसे हमने बताया आपका, लास्ट ईयर में इसी टाइप सिचुएशन अगस्त में हुआ था, 26-27 अगस्त में आपको याद होगा, उसके बाद फ्लड हो गया था, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारा अगस्त में उसका पहले भी नॉर्मल रेनफॉल चल रहा था, 25th to 27 इस पीरियड में बहुत सारा रेनफॉल हुआ था, और उसमें 26th अगस्त सबसे ज़्यादा था, 71.7 मिलीमीटर स्टेट एवरेज था। सर ये अभी छत्तीसगढ़ जाएगा, उसमें क्या वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा जैसे फ्लड सिचुएशन आ जाएगा उड़ीसा? अभी देखिए, फ्लड सिचुएशन के लिए आपको हम लोग सजेस्ट किया है CWC साइकिल, हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन का उनका, क्योंकि हम लोग उनको रेनफॉल फोरकास्ट दिया है, बस रेनफॉल अमाउंट भी ये करते हैं। अभी हमारा हीराकुद डैम में बहुत स्टोरेज कम था, अभी कितना होगा उन्होंने एस्टिमेट करके वो बताता है। लोअर लेवल में सर ज़्यादा बारिश हुआ है? हाँ, लोअर में ज़्यादा बारिश है तो फिर आपका ये में लोअर का तो बारिश जल्दी जल्दी ये हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट इसमें अपर में होने से डिस्चार्ज होने का, बट अपर में भी बारिश तो आज तो होगा, ठीक है, बट इसमें अभी लीवर लेवल हमने जितना दिखा है कम था, स्टोरेज हमने कम था, खास करके हीराकुद में, बट छोटा छोटा रिवर जैसे हमारा ब्राह्मणी इधर बैतरणी इस तरफ छोटा छोटा इलाका में तो थोड़ा सा ये हो सकता है, बट इसमें इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे आपको हमारा CWC का साइट का रेफर करने के लिए।